अभी उठे, अब ऐसा लग रहा है कि 6 बजे के आसपास दोस्त चले गए, तो खुद ही मैंने उनको सेव करा। बट अब मैं दोबारा सोफे जब उठाऊँ तो लग रहा है कि ऐसे घर में कोई है ही, खाली खाली सा माहौल है, अजीब सा लग रहा है काफ़ी ना, काफ़ी दिनों से। अब हम चार लोग थे, चार लोग साथ आए थे, अब अकेला पूरे घर में थे। अब मोस्ट ऑफ द टाइम तो किताबों में रहना, तो फिर टाइम कट जाएगा, बट वो चीज़ें इंस्टेंट्स मेरे को लगता है शायद याद आएँ कि मैं पढ़ते पढ़ते मैं बैठा हुआ हूँ, पढ़ रहा हूँ तो एकदम से किसी का मन किया चाय पीने का, तो आके बस पूछ रहे हैं चाय पियेंगे, तो चाय बन के आपके पास पहुँच जाती है। तो वो चीज़ें अब खुद उठ के आनी पड़ेंगी। वो तो और कुछ और भी बहुत सारे इवेंट ऐसे हैं जो साथ रहते हैं, आपकी पढ़ाई में बहुत असिस्ट करते हैं आपके दोस्त, आपके दस्त रहें काटने में चलते हैं। फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू मैं आर्टिकल्स पढ़ता हूँ कांग्रेस के, और पहली बार इन द सेंस काफ़ी 10-15 या 20 दिनों में पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरे को नॉलेज से हटकर, नॉलेज तो मिल ही रही है ना, हटकर उससे कोई एग्ज़ाम के फॉर्मेट में अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसमें एक्यूरेटली क्या क्या लाइन यूज़ करनी है वो मिली है किसी एक पर्टिकुलर आर्टिकल में। अदरवाइज तो मैंने जैसे इंटरनेशनल रिलेशन में नॉलेज मिल जाती है आपको, गेन मिल जाती है, बट इस आर्टिकल में प्रॉपरली जैसे लाइन्स हू बहू यहाँ से उठा के मैं पेस्ट कर सकता हूँ। प्रिसाइज विजयवाड़ा में हो रखा है फिलहाल 39 डिग्री टेम्परेचर, ठीक है, और ह्यूमस और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि मेरे को लग रहा है कि मैं बस बार बार ठंडा पीता ही रहूँ, खाता रहूँ, कुछ ना कुछ ऐसा चलता ही रहना चाहिए। लेकिन मैं फिर भी क्या कर रहा, फिर भी चाय ही पी रहा हूँ। एक और कॉन्सेप्ट मैं पढ़ रहा था, तो पढ़ते पढ़ते मेरे को ये कॉन्सेप्ट याद आ गया कि कर क्या रहा था मैं, कि मैं AC या कूलर या फिर कोई और अच्छा ढंग का कुछ पंखा वगैरह खरीद लेता हूँ। तो वो सर मृणाल सर से मैं इकोनॉमिक्स पढ़ रहा हूँ फिलहाल अन अकेडमी पे, तो उन्होंने एकदम वो कॉन्सेप्ट समझा ही रहता कि डिमांड बार बार वो मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन कैसे बढ़ता है और RBI उसको क्वांट के तरीके से कैसे मैनेज करता है। तो उसमें वो पढ़ रहे थे कि भाई जैसे जैसे तुम्हारे पास पैसा बढ़ेगा तो तुम्हें क्या लगेगा कि तुम ये चीज़ भी खुद कर सकते हो, ये चीज़ भी खुद कर सकते हो और वो चीज़ भी मंगा सकते हो। तो एक चीज़ तुम 10 रुपये की है, तुम्हारे पास 50 रुपये हैं या तुम देना चाहते हो उस चीज़ को 50 रुपये, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो तुम कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास पैसा है। अब उससे तुम हो कुछ रहा है कि तुम्हारे पास है कोई दिक्कत नहीं, दूसरे के पास भी अगर सेम 10 रुपये है तो वो क्या करेगा, वो भी उसको 50 रुपये में खरीदना चाहेगा। चीज़ की कीमत अब तक 10 रुपये थी क्योंकि अब दो लोग आ गए हैं जो उसको 50 रुपये में खरीदना चाहते हैं और मतलब 50 तक मिल जाएगी तो वो खरीद लेंगे, तो चीज़ों की वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी, उसका प्राइस जो है वो बढ़ जाएगा। इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन हो जाएगी मार्केट में अगर ज़्यादा पैसा था, इसीलिए मार्केट से पैसा RBI टाइट करके रखता है कि इस किसी भी इंसान के पास इतना ज़्यादा पैसा ना आ जाए कि अंधाधुंध खर्च कर रहा है वो और महंगाई बढ़ रही है। क्लियर, ठीक है, ना भाई क्लियर है, मैं पढ़ लेता हूँ। इन द रीसेंट डेज हमने क्या डिसाइड किया, मतलब एज ए फैमिली, मेरे एक छोटे भैया हैं, तो शायद मैं आपको पहले अपनी बड़े वाले भाई साहब की एक वो दिखा चुका हूँ, जहाँ पे फैक्ट्री है छोटी सी, जहाँ पे फैक्ट्री भी नहीं बोल सकते, जहाँ पे हल्दी मसाले वगैरह जो है वो वहाँ पे बनते हैं, और फिर धीरे धीरे करके उसको मैं एक्सपेंड कर रहे थे कि पे दाल वाल वाले भी जो पैकेट बन जाते हैं वहाँ से, तो वो चीज़ें हमने अपने गाँव के पास ही लगाई। अब एक दूसरी चीज़ जो स्टार्ट कर रहे हैं, दैट वी आर स्टार्टिंग विद द सिक्योरिटी सर्विसेज एजेंसी, तो उसके लिए मेरे को क्या करना है कि रिक्वेस्ट ये है भाई की तरफ से कि नाम रखना और क्या नाम होना चाहिए वो, और फिर उसका लोगो किस हिसाब का लोगो। सो आई वॉज टेकिंग दिस कंसिडरिंग दिस लोगो फॉर द फेस ऑफ टाइगर, तो मिल नहीं रहा मेरे को ढंग से। नॉर्मली जो होता है मतलब कुछ अच्छा सा मैं उसको कैप्चर नहीं कर पा, नॉर्मली जो सिक्योरिटी सर्विसेज का होता है वो चील या हवॉक टाइप सिक्योरिटी सर्विसेज, भैया सर्विसेज मतलब कुछ हो मतलब इस टाइप का ही होता है, हाँ जिनका भी देखो तो वो सारे इस टाइप का होता है, मतलब जो अच्छे हैं, ठीक है। सो कुछ चेंज चाहता हूँ मैं, कुछ अच्छा बनाना चाहता हूँ।